जान तक कैसा हो, साध्वी दीदी जैसा हो, अपना जान तक कैसा हो, साध्वी दीदी। अपने तेज तर्रार बयानों के लिए जानी जाने वाली साध्वी निरंजन ज्योति फिलहाल जनता के बीच अपने लिए समर्थन जुटा रही हैं। मुझे नहीं लगा कि मैं कैसे यहाँ पहुँची। मेरे माता पिता को भी बहुत ताने सुनने पड़े, जब बेटी चली गई, नाक कटा के चली गई, ये करके चली गई। 10 साल तक मैंने मुड़ के नहीं देखा उन्हें। राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा बनकर विश्व हिंदू परिषद से बीजेपी में आई, पहले अपने जन्म स्थल हमीरपुर से विधायक रही और 2014 में फतेहपुर से सांसद बनी। उनके रामजादे वाले बयान की चर्चा राष्ट्रीय मीडिया में कई दिन रही थी। अब उस भाषा को लेकर के मैं जिस पद में हूँ नहीं बोलना चाहिए, मैंने इसीलिए खेद भी व्यक्त किया था और दूसरे से भी हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी बुंदेलखंड की भाषा को इतना वो किया जाएगा, नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद से मेरा कोई आया भी नहीं हुआ। निरंजन ज्योति उसी सीट से दोबारा उम्मीदवार हैं जो कभी पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का लोकसभा क्षेत्र था। उसी क्षेत्र में आने वाले हुसैनगंज के गांव संवत में हम निरंजन ज्योति के साथ पहुंचे, ये समझने कि एक महिला उम्मीदवार को वहां की जनता कैसे देखती है। लोकसभा कर रहे हैं आप, तो लोग तो बात ही नहीं कर पा रही उनसे। नहीं 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 कर पाते हैं। किस लिए नहीं कर पाते? इतने भीड़ रहते हैं वहाँ, सब लोग कहाँ चले जाएंगे। हम कौन लोग हैं भीड़ में, कौन मतलब सभी अपने हैं, सब गांव के सब बड़े हैं, जैसे कैसे वहाँ चले जाएं हम लोग। ये सब बड़े आदमी अपनी फीजा जमा रहे हैं, जनता से पूछो कि क्या हो रहा है। और गरीब आदमी तो कहेगा कहेगा कि नहीं मिला, और जिसको मिला उसे मिला है, बात ये है ना गाँव में। ज्यादातर ऐसी कैंपेन सभाओं में इलाके के रसूख वाले लोग माइक पकड़कर अपनी बात कहते मिलते हैं। 4 करोड़ लोगों के रोहिंग्या जो इंसान को मारकर खाते हैं। वहीं दूसरे लोग और खासकर महिलाएं अपनी बात पहुंचाने में नाकाम रहते हैं। हम बेटा पानी का बहुत बहुत दूर से ला रहे हैं, पानी पानी मिल नहीं रहा, और पानी बिगैर हम लोग मर रहे हैं, परेशान है। और ठाकुर ब्राह्मण कर आराम ही, हम तुमका दुख गरीब दुखिया का दुख है। नाम साध्वी निरंजन ज्योति तो लग सकता है कि हिंदुत्व या मंदिर अहम मुद्दा होगा, मगर अपनी छवि से अलग वो अपने काम को लेकर वोट मांग रही हैं। मेरे काम का इरादा स्पष्ट है, जिले का विकास, जिले का विकास। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल को लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड भी छपवाया है। अपने MP फंड का लगभग 99% उन्होंने खर्च किया है। इसके बावजूद उन्हें लगता है कि वे अपने नाम और काम पर दोबारा वोट नहीं ले पाएंगी। ये वोट मुझे नहीं मिलेगा, ये वोट किसको जाएगा? नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, एक एक वोट जाएगा। सांसदों के नाम पे लोग वोट नहीं देते कई बार, वो जो ऊपर एक जो चेहरा दिख रहा होता है किसी पार्टी का उसके नाम पे वोट देते, लेकिन काम तो सांसद को ही कराना है। काम सांसद को ही कराना होता है। देखिए जनता चुनती है जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अब कई नेता होते हैं अपना ही प्रतिनिधित्व करने लगते हैं, प्रभुत्व करने लगते हैं। बस अब मोदी जी तो बीच में सबकी वोट खींच रहे हैं, हम साध्वी को क्या जाने भाई, इनको नहीं जानते, खाली मोदी को जानते कि मोदी नेता अच्छा है। हम फंस जाएंगे तो कुछ भी हो, फांसी के तख्ते में चढ़ जाएंगे, लेकिन हम गरीब देंगे वोट मोदी। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, इसमें भी कोई पैसा लगा है क्या? ₹300 नरेंद्र मोदी के वो सिलेंडर में 300 रुपये लिए लगा कहे नहीं ना, ऐसे मिल गए हैं। और पक्का घर एक को नहीं बने, एक बन गया। मैं अपने हाथ से बनवाया हूं। मगर इन सब के ऊपर धर्म की छोंक फिर भी लग रही है। निरंजन ज्योति ने अपने नेता नरेंद्र मोदी की तरह ही कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता और आतंकवादी हिंदू नहीं हो सकता। भोपाल से BJP के टिकट पर चुनाव लड़ रही और मालेगांव पर बम ब्लास्ट की अभियुक्त साध्वी प्रज्ञा का बचाव भी उन्होंने नरेंद्र मोदी की तरह किया। श्री हनुमान जी को माँ का आशीर्वाद इस कांड में मिला। असली कोई हो, आतंकवादी हो, आतंकवादी हो, उसके साथ हम नहीं है, समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन जब राजनीतिक चश्मे से किसी को आतंकवादी बनाने की कोशिश की जाती है, और मैंने नहीं, कोर्ट ने असीमानंद जी को बराबरी किया, तो मैं उसको कैसे कह सकती हूँ। फतेहपुर में सड़क, शौचालय,
पक्के घर और पानी का मुद्दा बना हुआ है और निरंजन ज्योति इन मुद्दों पर लोगों को आश्वस्त भी कर रही हैं। लेकिन फतेहपुर में वोटर अब भी उम्मीदवार के नाम या काम पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व को देखकर वोट देने की सोच रहा है। सब लोग चाहते हैं